लगातार बढ़ रही महंगाई ने आपके किचन का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज के आसमान छूते दामों के बीच जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में आम लोगों को जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इस बात की पुष्टि खुद केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में दी गई जानकारी में की है। सांसद राहुल रमेश शैवाले और भर्तरी महताब के सवालों का लिखित जवाब देते हुए रामविलास पासवान ने आवश्यक वस्तुओं की जो कीमत सूची सौंपी है उससे जाहिर होता है कि चावल, गेहूं, आटा, दाल, तेल, चाय, चीनी और गुड़ समेत सब्जियों और दूध के दाम में जनवरी के मुकाबले साल के आखिरी महीने दिसंबर में वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निगरानी की जाने वाली 22 आवश्यक वस्तुओं में से ज्यादातर वस्तुओं के दाम में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। खासतौर से आलू, टमाटर और प्याज के दामों में ज्यादा वृद्धि हुई है। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक मार्च के बाद प्याज के दाम में 416% का इजाफा हुआ है। मार्च में प्याज का औसत खुदरा भाव 15.87 रुपये प्रति किलो था, वहीं 3 दिसंबर 2019 को 81.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं चावल और गेहूं के दाम में तकरीबन 10% की वृद्धि हुई तो दालों के दाम में 30% तक की बढ़ोतरी हुई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।